हम एक पेपर लेंगे, उसे हाफ में डिवाइड कर लेंगे, फिर उसको और एक साइड से भी फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि वो फोर पार्ट हो जाए। फिर उस फोर पार्ट को आधे में डिवाइड करेंगे, यानी कि 8 पार्ट कर लेंगे पूरे पेपर का, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अब हम एक ऑरेंज पेपर लेंगे, उसे वही सेम स्टेप रिपीट करके फोल्ड कर लेंगे। देखिए मैंने कर लिया। अब हम कैंची की मदद से उसे 8 पार्ट्स में काट लेंगे। देखिए मैंने काट लिया। अब हम वैसे ही व्हाइट पेपर को भी काट लेंगे। अब हम कटे हुए पेपर में से एक पेपर लेंगे और उसे रोल कर लेंगे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कीजिए। अब हम वाइट पेपर लेंगे और उसे भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। सेम स्टेप में आप सब फोल्ड कर लीजिए। अब हम सारे पीसेस को असेंबल करेंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ वैसे ही आप कीजिए। लुक को ये कलर चेंज करके करना है। पहले अगर आपने ऑरेंज लगाया तो उसके बाद वाइट लगाएंगे, अगर आपने पहले वाइट लगाया तो उसके बाद ऑरेंज लगाएंगे। मैंने साइड का बना लिया है। अब हम एक कार्डबोर्ड लेंगे और उसे नीचे पेस्ट कर देंगे बेस की तौर पर। अब हम एक पिंक कलर पेपर लेंगे और उसे वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जैसे कि वो अच्छा दिखे, नीचे से अगर कोई देखे तो अच्छा दिखे। अब हम सीजर की मदद से उसे काट लेंगे। मैंने डेकोरेशन के लिए एक बटरफ्लाई लिया है। आप चाहें तो कोई भी फ्लावर ऐसे बना के लगा सकते हैं। मेरे पास था ये बटरफ्लाई, तो इसलिए मैंने उसे लगा लिया है। अगर आपको पेपर फ्लावर बनाने का वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए। अब हम एक कार्डबोर्ड लेंगे और उसे बीच से पेस्ट कर लेंगे, नहीं तो हमारा पेन स्टैंड में जो हम रखेंगे वो ऐसे अच्छा नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ, जैसे आप वैसे कर लीजिए। अब हमारा पेन स्टैंड बनके पूरा तैयार है। अब हम उसमें जो चाहते हैं वो रख सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।